लूट मार और नौसरबाजी से अरबों रुपए की जायदाद बनाने वाले महमूद अख्तर नकवी का बेटा भी कुछ कम नहीं है। दौलत के छप्पर बाप की तरह उस पर भी फटते हैं और बैठे बिठाए असासे बढ़ाने का खुफिया फार्मूला उसे भी खूब आता है। इन मौसूफ का भी कोई बाकायदा कारोबार नहीं, कोई लंबा चौड़ा टैक्स रिकॉर्ड है और ना ही कोई ये जानता है कि साहिब का जरिया मुआश क्या है। इसके बावजूद वो जिंदगी यूं बसर कर रहे हैं जैसे कारून का गुमशुदा खजाना इन्हीं को मिला था। ये कीमती गाड़ियाँ, ये शाही तर्ज जिंदगी, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में कीमती घर, ये सब कहाँ से आ रहा है? जरा गौर कीजिए, जरा तवज्जा दीजिए, ध्यान से देखिए, कहीं इनकी जायदादों की बुनियाद में उन गरीबों की हड्डियाँ तो दफन नहीं है जिनसे इनके वालिद ने जमीनें हथिया ली। इस लाइफस्टाइल से कहीं उस लहू की महक तो नहीं आ रही जो इनके वालिद ने ब्लैकमेलिंग के तीखे दांत गाड़ कर किसी मुफलिस की उम्र भर की रियाजत की शरक से चूसा। कैसे हिसाब देंगे इस सब का? कैसे मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का सामना करेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को? कैसे पेश होंगे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रूबरू? कैसे? हाँ, कैसे?